हेलो फ्रेंड्स, स्वाति देश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैंने वादी में आया है और यहाँ पे ना बहुत लोग घर बना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं भाई साहब, ये देखो चारों तरफ अभी नया घर बन रहा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ नया घर बन रहा है इधर, ठीक है। और ये बिल्कुल मार्केट से सटा हुआ है और यहीं पर मेरा भी कपिल ज़मीन खरीद के ना घर बनाया है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा घर है भाई साहब। अभी आप लोग देख सकते हैं ये घर है भाई साहब, ठीक है। देखो इसका गेट, देखो ये बाउंड्री का गेट है। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। और इन लोगों का नक्शा इतना ज़बरदस्त होता है ना कि क्या बताऊँ आप लोगों। ये देखो ये बाउंड्री का गेट, गेट के लिए, ठीक है। और बाकी मेन गेट एक ये है और इससे बड़ा गेट एक और है। वो देखो इसमें कितना गेट हो रहा है, 1, 2, 3 और ये 4 गेट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आया था, थोड़ा सा ये गेट को मतलब यहाँ पे ना टेम्पोररी गेट बना के लगाना है, तो इसीलिए मैं आया था। क्योंकि इसके अंदर से ना सॉरी बोल रहा है कि सामान लोग उठा ले जाते हैं, तो इसीलिए मैं आया था। तो मैं सोचा आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ का नक्शा इतना ज़बरदस्त होता है ना, ठीक है। अभी ये देखो शो के लिए क्या बनाया है इन लोगों ने, पिल्लर टाइप के बना दिया है यहाँ पर भी वहाँ पर भी। बाकी अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखें अंदर सामान मन पड़ा है ना, आप लोग देख सकते हैं यही सब लोग उठा ले जाता है, ऐसा ये बोल रहा है मेरा कपिल, ठीक है। तो अभी आप लोग नक्शा देखो भाई साहब इसका, बाकी हम अंदर चलते हैं और आपको सारा दिखाते हैं इसका नक्शा कि इसके अंदर अंदर है क्या, ठीक है। तो अभी मैं अंदर आ गया हूँ, आप लोग ऊपर से पूरा देख सकते हैं। और यहाँ पे ना पानी का टैंकी जरूर ये लोग बनाते हुए देखो बाहर बनाए हैं, बाकी ये गाड़ी वाड़ी खड़ा करने के लिए। बाउंड्री के साथ यहाँ पे लोग घर बनाता है, ठीक है। बाकी मैं अंदर से, इधर से भी गेट है भाई साहब, इधर से भी है, इधर से भी है, बहुत गेट होता है इन लोगों के घर में, ठीक है। लेकिन अब ज़बरदस्त नक्शा होता है, मैं आप लोगों को बारीकी से फटाफट मैं समझाता हूँ कि क्या क्या बनाया है इन लोगों ने। अभी ये देखो ये मंगलिश बनाया, ठीक है। और यहाँ पर ना पहले मेरे ख्याल से छोटा वोटा खिड़की रखा होगा, बाद में इन लोगों ने तोड़ दिया बड़ा खिड़की लगाने के लिए। तो ये मगलिश है, यानी इस तरह बोलते हैं जो बैठने उठने के लिए सऊदी के लिए। बाकी आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ना सारा मेन इसका इधर रहेगा, ये उसी का पाइप है, ठीक है। और इसी के साथ ये देखो रूम भी बना है और इसका गेट यहाँ से है। और बाकी लैट्रिन बाथरूम के लिए ये निकाला है भाई साहब, ठीक है। और भी चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे किधरों से किधर, ये देखो अंदर आ गया। अब देखो सामने से भी गेट है, इधर से भी गेट है। और ये देखो सीढ़ी भी बनाया है ऊपर जाने के लिए, दो मंजिल घर है ये, ठीक है। बाकी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे भी रूम है, ये देखो। और इसी के सामने वो देखो अटैच बाथरूम है, उसके बाहर भी उधर से निकल जाओगे, ठीक है। अभी सारा काम चल रहा है इसमें, देख लो कितना कचरा पड़ा है, ठीक है। अभी सारा काम चल रहा है भाई साहब। और देखो ये रूम ये है, इसके साथ वो खिड़की भी है, इसके साथ ये देखो ये अटैच बाथरूम है, लैट्रिन बाथरूम उसके अंदर होगा, फिर एक रूम ये है, ठीक है। बाकी आप लोग को और भी दिखा देता हूँ। और ये सामने बहुत बड़ा खिड़की होगा, ठीक है, ये फ्रंट है, ठीक है। बाकी आप लोग को दिखाता हूँ, ये यहाँ से बाहर भी जाने के लिए गेट रहेगा, इसी के साथ ये रूम रहेगा। और आप लोगों को बता दूँ, देखो पहले लोगों ने नक्शा निकाला था ना, यहाँ पे छोटा और यहाँ पे छोटा खिड़की, बाद में इसको बंद करके इतना बड़ा खिड़की बना दिया तोड़ के बड़ा, ठीक है। एक तो ये भी हो गया, फिर ये देखो यहाँ पर भी अटैच बाथरूम है और यहाँ पर बेडरूम है, ठीक है। और इसमें भी वैसे ही किया, वो देखो सामने वो बंद करके ना यहाँ बड़ा खिड़की कर दिया है, ठीक है। तो बाकी अभी और भी दिखाता हूँ। तो ये सब नक्शा होता है भाई साहब, और सऊदी लोगों का घर का नक्शा बिल्कुल ज़बरदस्त होता है, ठीक है। इसीलिए अभी चलते हैं छत पे और ऊपर का भी दिखाते हैं, ठीक है। अभी ये रेडी नहीं हुआ है तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। और सीढ़ी देख रहे हो किस तरह बना है भाई साहब, सीढ़ी बिल्कुल फिल्मों में जैसे दिखाता है ना बीच में, उसी टाइप का बनाया है। तो अभी ये पूरे तरीके से रेडी नहीं हुआ है तो देखने को मिलता है। सऊदी लोग रहने लग जाते हैं ना तो फिर कोई भी आदमी वीडियो बनाकर नहीं डाल सकता, क्योंकि सऊदी का फैमिली रहता है ऊपर से। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे चारों तरफ ग्रिल लगेगा। और ऊपर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे भी रूम है, ये हॉल टाइप बना दिया है ऊपर से। और यहाँ से आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखो भाई साहब ऊपर से पूरा लोगों का घर दिख रहा है, बाहर का बाउंड्री पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बनाएगा इन लोगों ने। और इसी के साथ वो देखो इधर से भी दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे लाइटिंग बाथरूम वाला सिस्टम इन लोगों ने कर दिया है। और ये रहा छत,
इन लोगों ने दूसरा मंजिल पे थोड़ा बनाया बाकी ये बैठने उठने के लिए। छत पे भी बाउंड्री देख सकते हो, इतना बाउंड्री है ना कि बाहर का आदमी नहीं देख सकता है। ठीक है, ये लोग जितना भी काम करते हैं ना पूरा सेफ्टी के साथ करते हैं। ठीक है, हम लोग इधर डिजाइन डिजाइन ग्रिल व्रिल वगैरह लगाते हैं, ये लोग नहीं लगाते, उसमें दिखाई देता है, इसमें दवाल लगा देते, ये लोग नहीं दिखाई देता। लेकिन आप लोग देख सकते हैं लाइट भाई साहब, पूरा लाइट सिस्टम है, देखो कितना पाइप है, वो देखो ऊपर भी वही हाल है। तो अभी और चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या इसमें है और किस तरह का डिजाइन है भाई साहब। ये देखो कितना ज़बरदस्त, ऊपर एक बेडरूम ये है भाई साहब। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कैमरा भी लगा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ ये देख सकते हैं और वो देखो सामने कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, सऊदी लोग देखते रहता है ना, यहाँ पे कोई रहता नहीं है तो इसीलिए लोग ध्यान देते रहते हैं। और इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं ये अटैच बाथरूम है, पूरा हर एक रूम के साथ इन लोगों का अलग अलग अटैच बाथरूम होता है। और ये कैमरा लगाया कि कोई गाड़ी गुड़ी वाला यहाँ पे ना आए। तो ऊपर भी इधर भी बेडरूम और लाइटिंग बाथरूम सब व्यवस्था ऊपर ऊपर भी बना रखे हैं, लेकिन ऊपर ये लोग ना कैमरा लगा दिया है। ठीक है, आप लोगों को दिखाया ना कैमरा लगा रखे हैं, अभी कोई नहीं रहता है ना तो इसीलिए कैमरा लगा दिए लोग, सारा प्यारा करेगा। और वो कैमरा ना सोलर सिस्टम है। तो भाई आपको आप लोगों को ये नक्शा कैसे लगा और हमें ज़रूर बताएं। सऊदी लोगों का भाई ज़बरदस्त, मेरे को तो बहुत ज़बरदस्त इन लोगों का नक्शा पसंद आता है। और ये लोग बहुत बेहतरीन तरीके से फैमिली भी रखते हैं, ये लोग बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, तभी मैं नीचे आ गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।